गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंदर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 16 तारीख दिन मंगलवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज किस तरह का सेल है मार्केट के अंदर और कितनी ताजी आ रही है, कितना बैलेंस है, किस किस राज्य का माल देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों शॉप नंबर 31 भाई साहब के पास इधर लोट पलटे हुए जी, बाकी देखते हैं क्या कुछ बाजार रहा है। आगे तक चलते हैं, इनके पास कितनी गाड़ी लगी है आज मार्केट के अंदर, जो है कितनी गाड़ी आई है और ताज़ा कितना है, बैलेंस कितना है, ये सारा जानकारी देंगे। अलग अलग कट्टों में अलग अलग लोड खुला हुआ है और इधर भी जो है पलटा हुआ है और देखते हैं आगे तक किस तरह का माल है और किस तरह का माहौल है। आज मैं देख सकते हो आप जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, आज का क्या पोजीशन रहा जी मार्केट के अंदर और कितनी ताजी गाड़ी आई जी, कितना बैलेंस है जी? आज मंडी के अंदर में 12-13 गाड़ी रेवल सीरीज है और बाकी 10-11 गाड़ी का बैलेंस होगा। टोटल मिलाकर 20-22 गाड़ी करीब है हमारे मंडी में। अच्छा जी, और किस किस राज्य से इस समय माल आ रहा था? इस टाइम सर नासिक का आ रहा है, पूना का आ रहा है, एमपी का थोड़ा बहुत आ रहा है, बाकी नासिक और पूना बैठ के ज्यादा मार रहा है। अच्छा, ज्यादा प्रेशर जो है नासिक और पूना के प्रेशर ज्यादा है। और अपना राजस्थान? राजस्थान आ रहा बहुत कम हमारी मंडी में। अच्छा, हमारी मंडी में 1-2 गाड़ी आ रही है राजस्थान का। अच्छा, बाकी हमारी मंडी में एमपी और पूना का माल ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, और ये बहादुरगढ़ वगैरह सर जी? हाँ नहीं, हमारी मंडी में बहादुरगढ़ नहीं है, वो आयत मंडी आ रहा है। अच्छा, तो सर जी आपने अलग अलग लोड पलटा हुआ है, इधर भी है कुछ कट्टे खुले हुए, इधर भी है जी आगे में। ये सब नासिक के माल है, ये सब ये थोड़े बहुत डैमेज माल हो रहे हैं, छिलका पत्ती इनका बहुत कमजोर हो रहा है। अच्छा, ये सब 10 रुपए से लेकर 11 वाली क्वालिटी के है। 10 से लेकर 11 से लेकर 11 वाली क्वालिटी के माल बिक रहे हैं। अच्छा जी, और जो इसमें बढ़िया माल बढ़िया लोट निकल कर क्या रहे जो उनका क्या रहे? सर बढ़िया माल तो खैर आज भी हमारी मंडी में आए नहीं, जो बढ़िया है वो 12 से लेकर 13 रुपए बिकता है, बाकी बढ़िया प्याज नहीं है मार्केट के अंदर बिल्कुल भी। अच्छा जी, तो जनरल जो है सर जी ऊंचे में कहाँ तक बिका है जी आज मार्केट? ऊंचे में सर 13 रुपए तक का सुनने में आया, 14 रुपए के बाकी 14 रुपए के बाद 13 रुपए के लोग ऊपर तक बिका है। अच्छा, वो भी माल इतने ज्यादा बढ़िया नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी एकदम। अच्छा, और जनरल में क्या रेट चला जी? जनरल में सर लेके 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के माल बिक रहे हैं। अच्छा जी, 8 से लेकर 10 8 से लेकर 10 रुपए तक के माल बिक रहे हैं। माल सबसे बढ़िया माल डैमेज बहुत हो रहे हैं। अच्छा जी, बढ़िया माल बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर में, जो एवरेज माल है जैसे आप देख रहे हैं 10 रुपए किलो के माल बिक रहे हैं। अच्छा, जो मेरे पे गाड़ी लग रही है। और ये जो आपने बेचा जी ये मतलब किस किस रेंज में बेचा? ये 10 से लेकर 11 रुपए की रेंज में बिकी है। अच्छा जी, दोस्तों क्वालिटी देख सकते हो, ये जो सर ने माल बेचा जी 10 से लेकर 11 में, तो इसका देख सकते हैं छिलका पत्ती ये कमजोर है, ये छिलके पत्ती कमजोर है, थोड़ा डैमेज की भी शिकायत है, जो है डैमेज का भी शिकायत देखने को मिल रहा है। बाकी आप सबको तो पता ही है जो एक प्याज जो है 4-5 प्याज 10 प्याज को खराब कर देता है साथ ही साथ। और बाकी जानते सर से अभी जो है कट्टों में, सर जी कट्टों में कितना नुकसान हो रहा है जी? कट्टे में जैसे अगर नासिक या पूना से माल आ रहा है आते आते कितना डैमेज हो जा रहा है कट्टे में? सर जैसे ये अभी नासिक वाली गाड़ी आ रही है इसमें 102 किलो की डैमेज की शिकायत है। अच्छा, ये लाल जाले में जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और ये पूना बेल्ट के जो माल है इसमें थोड़ा शिकायत कम है, बाकी नासिक बेल्ट वालों में थोड़ा ज्यादा शिकायत आ रही है सर। अच्छा जी, उसमें कितना किलो निकल रहा है सर जी? उसमें सर मतलब कि 2-4-5 दाने 10 दाने है। अच्छा, जो ये पूना बेल्ट के माल नासिक के माल ज्यादा डैमेज आ रही है। अच्छा, हाँ जी। और पूना वाले का क्या बाजार चला है जी? पूना के सर बढ़िया माल ये भी 10-11 रुपए के चल रहे, बाकी बढ़िया माल पूना नासिक किसी में भी बढ़िया क्वालिटी नहीं है। मतलब यही जो है जनरल बाजार 10 से लेकर 11 रुपए जो डैमेज माल है वो 7-8 रुपए किलो के बीच में बिक रहा है। जिसमें ज्यादा डैमेज है वो 7-8 रुपए 9 रुपए तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, जिसमें मतलब 5 किलो 6 किलो, हाँ जिसमें 5-6 किलो का जो ठीक ठाक है वो 10 से 11 रुपए के चल रहे हैं। अच्छा, जिसमें 1-2 किलो जो निकल रहा है वो 10 रुपए से लेकर 11 रुपए। अच्छा, और ग्राहक ही कैसा देखने को मिला सबसे मेन तो सर जी? सेल पॉइंट है जी, सेल पॉइंट कैसा है? सर सेल पॉइंट आज सोचे थे हमारे जैसे मंडी डबल मंडी होती है बुधवार, कल बुधवार है। हाँ जी, और मंगल का दिन है, बिल्कुल भी आज ग्राहक जिस उम्मीद से हम सोचे थे उस उम्मीद से बिल्कुल भी नहीं दिखा दे रहा, मंडी पूरी खाली पड़ी है बिल्कुल एकदम। हाँ जी, वैसे तो सुस्ती तो सभी चीज में देखा। हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम सेल पावर आज बहुत स्लो है। अच्छा, तो आज अपने पास कितनी गाड़ी आएगी? हाँ मेरे पास 2 गाड़ी है। अच्छा अच्छा, एक नासिक और एक नासिक एक पूना जी। हाँ जी। अच्छा, और एमपी का क्या पोजीशन चल रहा था? एमपी का भी सर सेम ही चल रहा है, 10 से लेकर 11-12 रुपए तक के माल बिक रहे, बाकी माल कोई भी बढ़िया नहीं आ रहा, मतलब चाहे किसी भी एरिया का माल हो, किसी भी एरिया का माल 10 से लेकर 12 रुपए 10 से लेकर 12 रुपए तक के, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी के माल आने रहे, क्योंकि पीछे स्टॉक में जा रहे हैं थोड़ा बहुत, पर स्टॉक भी इतना आपकी अभी जो फिलहाल जो लग रहा है उम्मीद की स्टॉक भी अभी कामयाब नहीं होता दिखाई दे रहा बिल्कुल। अच्छा जी, सर मेरा सवाल यही रहने वाला था आपसे, जो अभी अगर स्टॉकर अगर स्टॉक करते हैं तो क्या नुकसान उनके लिए रहने वाला है या फिर बेनिफिट का सौदा रहने वाला है? हाँ सर, अभी तो देखो जो मेरी टेंडेंसी करी अभी जो स्टॉक में जो भी हाथ डाल रहा है, जैसे अभी हमारी पार्टी है नासिक की, उन्होंने अभी परसों ही उनसे बात की थी, तो उन्होंने अभी थोड़ा बहुत स्टॉक कर दिया, तो वो परसों अपने गोदाम पे गए थे, जाकर उन्होंने देखा
वो वीडियो मेरे पास में है, उन्होंने देखा कि गोदाम मतलब माल पड़े डैमेज हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना स्टॉक जो खोल दिया है। अच्छा, माल डैमेज की शिकायत बहुत ज्यादा हो रही है अभी। अच्छा, तो मुझे तो अभी नहीं लगता कि ये वाले माल अभी स्टॉक में होंगे। अच्छा, स्टॉक कर रहे हैं पर थोड़ा बहुत अभी स्लो है। तो सर इस साल जो है प्याज का भाव, जैसा कि अभी पीछे बरसात हुआ, स्टॉकर भी जो है स्टॉक करने से घबरा रहे हैं इन मालों को, तो क्या बाजार रहने वाला है आने वाले दिनों में, एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद क्या बाजार देखने को मिलेगा? देखिए सर, जैसे आने वाला जो भविष्य दिखा बता रहे हैं, ये हमारा सब कुछ टेंडेंसी पे चलते का अनुमान लगाया जाता है क्या है क्या नहीं। जिस हिसाब से फसलें नुकसान हो रही है, जिस हिसाब से प्याज की स्पीड जो निकल रही है ज्यादातर, उससे एक दो महीने के बाद में लगता है प्याज में कोई सुधार बनेगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और सर जैसे कि किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? इस बार तो सर जी पूना बेल्ट का भी छिलका पत्ती काफी कमजोर हो गया जी। सर किसान भाई तो ग्रेडिंग तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन छिलका पत्ती में काफी कमजोर। जैसे आप ये गाड़ी देखोगे, ये गाड़ी अपनी नासिक की गाड़ी है। अच्छा, इस गाड़ी में भी डैमेज की शिकायत बन रही है, कोई भी प्याज इस टाइम पर नहीं रुक पा रहा है। अच्छा, सब प्याजों में डैमेज की शिकायत है। अभी तो फिलहाल यही कहेंगे कि जो भी माल है अपने दिमाग से करे और अपने कारोबार को आगे बढ़ाए, और माल निकालने में ही फायदा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे जी? अच्छा, वो अभी जो है सर फिलहाल किस तरह से मतलब छटाई करे या किस तरह से क्वालिटी या ग्रेडिंग बनाए किसान भाई? ये क्या है, इसमें प्याज है, इसमें थोड़ा बहुत पानी पड़ता है, आप फिर दोबारा छटाई करोगे, फिर प्याज हल्का निकलेगा, डैमेज की शिकायत निकलेगी। अच्छा, तो ये प्याज तो ये है कि जो भी मार्केटों में आ रहा है, जो इतने अभी अपना देखा कल परसों 20-25 गाड़ियां की ट्रेवल्स थी, तो सब मालों को पता है, किसानों को भी अभी माल रुकने वाला नहीं, तो इसलिए आप मेरी हर मंडियां फुल है, चाहे वो नासिक हो, पूना हो, कोई सी मंडी ले लो, इंदौर हो, हर मंडिया में आमदनी भरपूर है। ये माल रुकने वाला नहीं है अभी बिल्कुल, अभी एक डेढ़ महीना प्याज वालों के लिए बुरा ही रहना है। अच्छा, चाहे वो आड़ती हो, व्यापारी भाई हो, किसान भाई हो, बिल्कुल सबके लिए, मतलब इस समय जो है एक डेढ़ महीना जो है सब खतरा ही रहने वाला है, डेढ़ महीने सबके लिए खतरनाक है बिल्कुल एकदम। मतलब ये अनुमान नहीं लगाया जा रहा है क्लियर, जो मतलब कट्टे में जो है कितना डैमेज होता है। हाँ, डैमेज होगा, हम वो माए सोचते हैं, व्यापारी गाड़ी लोड करते हैं, सोचते हैं कि दो चार दाने हैं, यहाँ पे आके वो किलो जाता है, जो ले जा रहा है बेचारा दो दो तीन तीन किलो प्याज सड़ावा निकल रहा है, फोटो डालते हैं, आगे हमारा भी पैसा रुक रहा है। तो ये इस टाइम में व्यापारी भाई किसान भाई सबके लिए अभी रिटेलर वगैरह सबके लिए नुकसानदायक है अभी तो बिल्कुल। तो सर जी अभी अगर जिन किसान भाइयों के पास या जिन व्यापारी भाइयों के पास क्वालिटी वाला माल है, तो उनको मार्केट में भेजना चाहिए या फिर आगे का इंतजार करना चाहिए जी? सर जो क्वालिटी वाले माल है, जो रुकने वाले माल है, वो थोड़ा स्टॉक वो कर भी रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, नासिक हो, तो मेरा तो यही कि बढ़िया प्याज भेजेंगे, 10-12 रुपए किलो का यहाँ प्याज बिक रहा है, स्टॉक में जाने वाले माल वो 13 रुपए के 14, आज नासिक वाले बता रहे हैं कि 13 से लेकर 14 रुपए 15 रुपए तक का स्टॉक में डाला उन्होंने प्याज, जो रुकने वाला प्याज है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी एक डेढ़ महीने बिल्कुल खराब रहने हैं। मतलब इससे थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है जी, जो किसान भाइयों के पास या व्यापारी भाइयों के पास अगर प्याज अगर क्वालिटी वाला रहता है, अगर वो क्वालिटी तो चांस मिल जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है, लग रहा है कि चांस बनेगा बिल्कुल एकदम। जिस हिसाब से ये प्याज जो डैमेज आ रही है, हिसाब से स्पीड है मालों की निकलने की, तो एक डेढ़ महीने में सब साफ माल हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ जी। मतलब जो देखने को मिल रहा था जी, इस बार भरपूर प्याज है, लेकिन बरसात ने सारा इंद्र देवता सबका चौपट कारोबार कर दिया बिल्कुल एकदम। जी जी, बिन मौसम बरसातें हुई है, ये बरसात का टाइम नहीं था, पर कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी का कुछ नहीं हो सकता, ये तो है जी। हाँ, और क्या पता जी उनके लिए ऊपर वाले का जो भी पड़ा बरसात हुआ इंद्र देवता ने बरसात, क्या पता अच्छे के लिए क्या हो जी। हाँ सर, फिलहाल हम तो प्याज से जुड़े हुए, तो हम तो यही कहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत नुकसानदायक। हाँ, अभी तो फिलहाल जितना भी अभी जो भी डैमेज देखने को मिला, अभी तो फिलहाल करंट का तो नुकसानदायक है, फिलहाल किसान भाइयों के लिए करंट का तो अभी नुकसान है। हाँ जी, हाँ जी, वो और बाकी देखते हैं आगे, जो किसान भाई अगर अच्छा क्वालिटी और अच्छा चीज बना करके रखा होगा, तो क्या पता वो अभी आने वाले एक डेढ़ महीने के बाद में किसान भाइयों का पैसा अच्छा मिलेगा बिल्कुल एकदम, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुमान टेंडेंसी यही लग रही कि आने वाला टाइम जो रहेगा प्याज के लिए अच्छा रहेगा। जी जी, बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा किस तरह का सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो इधर से जो आता है जी बहादुरगढ़ अपना दिल्ली से जो आता है प्याज, इधर से कितना आता है जी मार्केट के अंदर? इधर मार्केट में सर आयतपुर मंडी से आ रहा है, क्योंकि वो लोकल में ज्यादा बिक देते हैं सर बहादुरगढ़ वाले। अच्छा अच्छा, इधर दिल्ली आयतपुर मंडी में भी थोड़ा बहुत आता है, हमारी मंडी में तो खैर बिल्कुल ही बंद हो गया है। अच्छा, वो ज्यादातर लोकल अपने उधर ही क्षेत्र में बिकते हैं बहादुरगढ़ वाले जो है। मतलब आता भी है तो एक आध ट्रोली। हाँ, एक आध ट्रोली आई तो वो भी नहीं, वो भी आयतपुर मंडी, हमारी मंडी में काफी टाइम से आ भी नहीं रहा। अच्छा, और ये राजस्थान वाले का क्या पोजीशन चला है, कुचामन सिटी और शिखर का? ये सर बिक रहे हैं 7 रुपए से लेकर 8 रुपए, 9 रुपए, कोई अच्छी क्वालिटी तो 10 बिक जाता है, कोई 1 आधा लाट। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी।
और ये अपना जो है कुछ शिखर का बताइए, कुचामन सिटी का अपना कुचामन का जी। अच्छा जी, और शिखर वाले प्याज का जी? शिखर सब ये 7 रुपए से लेकर 8 रुपए 9 रुपए की लोग रेंज से ले। अच्छा, मतलब 7 से लेकर के 7 से लेकर 8 रुपए 9 रुपए कोई अच्छी क्वालिटी का होता है तो वो 10 रुपए बिक जाता है कोई लाट। अच्छा, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। जय संदीप ट्रेडर्स, केशवपुर सब्जी मंडी, दुकान नंबर 31 बबलू में नाम, 9718350504। धन्यवाद।